उज्ज्वला योजना की एक सरकार ने बहुत ही बड़ी नशा की तरह लत लाई हुई है। नशा की तरह लत? हाँ जी, शराब भी जैसे शराबी को, एक शराबी को नशा लग की लत लग जाती है ना, ऐसे नशा की लत लगा दी इसने। पर अब इस मुद्दे पे आ गई, इस उस पे आ गई महिलाएं कि जो सरकार ये कहती थी ना, हम अंजू पहुंचने के लिए धुएं में काम करने नहीं देंगे महिलाओं को, और धुआं बंद करके मैम रसोई में काम करेगी महिलाएं, वो आज सरकार 1170 रुपया का सिलेंडर हो गया। तो वो सिलेंडर कहाँ से भराएंगे गरीब मजदूर? हमारा भी जी करता है हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, हमारे बच्चे बड़े बड़ी नौकरी लगे, बड़ी बड़ी उसमें पोस्टों पे जाएं, पर हम मजदूरी की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यार नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन इस वक्त हूँ जंतर मंतर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नरेगा मजदूरों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरे देश भर के मजदूर और उनके नेता, जो मजदूरों के संगठनों के नेता हैं, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। तो सीधा उनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, जिला मेरा खैतल है और मैं मनरेगा मजदूर यूनियन का जिला प्रधान। नाम क्या है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर सिंह, क्या करते हैं आप? मैं मनरेगा मजदूर यूनियन का प्रधान हूँ और प्रधान हूँ मैं मनरेगा यूनियन का, कैथल का, कैथल जिला का प्रधान हूँ और मैं मजदूरों के लिए काम करता हूँ। और जो मजदूरों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को क्या नाम, जो हमारा जो लोकल प्रशासन है उस तक क्या नाम पहुँचाते हैं, और उन समस्याओं के ऊपर भी सरकार के जो कर्मचारी हैं वो ये कह देते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, आप क्या नाम डी सी से मिलिए, सीओ से मिलिए। ऐसा तो नहीं है मुखिया जी के मजदूरों की समस्या न देखते हुए आप अपनी समस्या को लेकर दिल्ली में आए हो? मजदूरों नहीं, 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 हमारी देखिए ना, मजदूरों की समस्या हमारी समस्या, मजदूरों की समस्या हमारी समस्या। नरेगा में सुना है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला घोटाला होता है, आप इस बात से कितना? बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। मनरेगा के अंदर घपला जो घोटाला है वो बिना BDPO के, बिना ABPO के, बिना JEE के, बिना पंचायत सेक्रेटरी के, बिना सरपंच के नहीं होता है, ये सारे के सारे उसमें क्या नाम शामिल हैं, सब मिलजुल कर करते हैं, कोई अकेला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कोई भी। इससे नुकसान किसका होता है जो पूरा घोटाला होता है? नुकसान होता है इसमें आम जो मजदूर है, जिसको सरकार ने गारंटी दे रखी है आपको शोधन काम मिलेगा, जब वो मशीनों द्वारा काम करा लिया जाएगा, फर्जी तरीके से काम करा लिया जाएगा और फर्जी जॉब कार्ड बना के हाजिरियां लगवा के और मशीनों से काम करा के और पैसा मनरेगा में दिखाया जाएगा, तो मतलब जो जरूरतमंद है उसको काम नहीं मिल पाता है केवल मशीनों से और फर्जी जो जॉब कार्ड बन। जो गांव के अंदर, देहात के अंदर विधवा औरतें हैं जिसको जरूरत है, उनको काम नहीं मिलता है, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं कुछ, जो मनरेगा का मनरेगा काम से नफरत भी करते हैं, लेकिन ABPO और मेट के साथ मिलकर फर्जी हाजिरियां लगाकर और उनके खाते में 14 दिन के पूरे पैसे डाल के 500 रुपए उसको देके बाकी का अपने जेब में डाल लेते हैं। यहाँ पर मतलब क्या मांग लेकर आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है मजदूरों को 200 दिन का काम दिया जाए, 800 रुपए दिहाड़ी हो और मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है इस पे रोक लगाए सरकार की आंखें। सरकार कहती है ना भाई हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मैं कहता हूँ कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार दिन दुगना रात चौगना है। देख सकते हो साथियों किस प्रकार से ये खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि हाँ सरकार मिली भगत से जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं और इस भ्रष्टाचार के विरोध में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या लगता है ये भ्रष्टाचार मतलब खत्म हो सकता है? जब तक देश का मजदूर नहीं समझेगा, राजनीति को अपनी को नहीं करेगा और सरकार के ऊपर अंकुश मजदूरी लगाएगा, चलो भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होता, मैं मानता हूँ कि नहीं होता, लेकिन व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था ही सारी भ्रष्टाचारी आई व्यवस्था। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुंदर सिंह जी। कहाँ से आए हो? कैथल से, हरियाणा के कैथल जिले से आया। क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से ये मांग है कि मनरेगा कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए और इसमें भ्रष्टाचारी को पर रोक लगाई जाए और इसमें भ्रष्टाचार मतलब चरम सीमा पे। क्या क्या मतलब पूरी किस तरीके से जारी करवाना चाहते हैं? इसमें पूरी तरह से जो भी मनरेगा में जो कानून बना हुआ है उसको पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इसमें जो मनरेगा का जॉब कार्ड बनाने से लेकर काम देने लोग हैं भैया, युवा साथी है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनू है जी। कहाँ से आयो? हरियाणा से। पूरी टीम हरियाणा की है जी सर। और मतलब हरियाणा के अलावा कहाँ कहाँ के मजदूर आए हैं? डिस्ट्रिक्ट कैथल से आए हैं सर
और मतलब हरियाणा प्रदेश के अलावा और प्रदेशों से भी आए हैं? हाँ जी, और बहुत सारे प्रदेशों से आए हैं सर। अच्छा। बिहार के भी आए हैं सर, बंगाल तो के। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग तो ये है सरकार से सर, जो मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन का काम दिया जाता है, वो सर 100 दिन का काम हमें पूरा मिलता ही नहीं है। पूरा नहीं मिलता। काफी युवा दिख रहे हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो? नहीं सर, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़े लिखे हो? नहीं सर। अच्छा, हाँ जी। तो जो अभी कितने दिन का काम मिलता है? अभी सिर्फ सर जैसे 14 दिन का काम मिलता है। 14 दिन के बाद? महीने में या साल में? महीने में। और साल में पूरा अधिकतम कितना मिलता है? पूरा साल तो देती नहीं है। पूरा साल देते नहीं है, कभी-कभी मिलता है। कभी-कभी मिलता है। तो उस काम जो मिलता है उससे जो आवेदन काम हो जाता है, काम सर उसका निकालते हैं जो उनको पैसा देता है। अच्छा, तो हम लोग तो पैसा देते नहीं है। अभी हमारा जो हमारे 30 मजदूर लगे थे 11/3/2022 में और तीसरा महीने में। अच्छा, सर और भी हैं। क्या नाम है आपका? करमजीत कौर जी। करमजीत कौर जी, हाँ जी। कहाँ से आप भी साथ में ही हो? हरियाणा स्टेट से हैं जी, जिला कैथल से, गुलाब ब्लॉक से हैं जी। हाँ जी। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से यही मांग रखे हैं कि जो नरेगा संघर्ष मोर्चा के जरिए हमने मांग बताई है, तो हमने और साथियों से बात कर ली। आप महिला हैं और देश में जिस प्रकार से, हाँ अभी करेंगे, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना यानी कि उज्ज्वला योजना चलाई है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? आपको मतलब सिलेंडर मिल चुका है? उज्ज्वला योजना की एक सरकार ने बहुत ही बड़ी नशा की तरह लत लाई हुई है। नशा की तरह लत? हाँ जी, शराबी जैसे शराबी को एक शराबी को नशा लग की लत लग जाती है ना, ऐसे नशा की लत लगा दी इसने। पर अब इस मुद्दे पे आ गई, इस उस पे आ गई महिलाएं कि जो सरकार ये कहती थी ना, हम अंजू पहुंचने के लिए धुएं में काम करने नहीं देंगे महिलाओं को, और धुआं बंद करके मैम रसोई में काम करेगी महिलाएं, वो आज सरकार 1170 रुपया का सिलेंडर हो गया, तो वो सिलेंडर कहाँ से भराएगा गरीब मजदूर? आपने मतलब कब का भराया लास्ट टाइम सिलेंडर? कब का भराया? लास्ट टाइम हमने हो गया एक साल भराया हुआ। एक साल हो गया? हाँ जी, एक साल। तो आप साथियों देख सकते हैं किस तरह से मतलब ये बार बार बोला जाता है कि इन महिलाओं के लिए सबसे सफल योजना रही, और जब महिलाओं से हमने बात की तो कह रही हैं कि एक साल से सिलेंडर ही नहीं भराया। एक साल सिलेंडर भराया हो चुका, जाके रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। अच्छा। एक साल हो चुका सिलेंडर भराए हुए को, पर खाना फिर दोबारा से चूल्हे पे बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, चूल्हे पे वही तपना पड़ रहा है। दिन में मजदूरी करके आते हैं और शाम को या सुबह क्यों नहीं भरा रहे? क्यों नहीं भराते? क्या समझ? भराए कहाँ से, इतनी महंगाई कर दी, 200 रुपए किलो तो लीटर का सरसों का तेल कर दिया सरकार ने। जो बीपीएल राशन कार्ड पे मिलता था वो भी छीन लिया सरकार ने। जब इतना धुंधा दिखा तो कहती है हम 250 रुपए खाते में डालेंगे। 250 रुपए भी नहीं खाते में डाल रही, इसमें भी बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी के भी खाते में नहीं आ रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी आपके यहाँ पर, जो बच्चे होंगे आपके? बच्चे की पढ़ाई व्यवस्था एक, आपको पता ही सरकारी स्कूलों में कितनी पढ़ाई है, पढ़ाई सरकारी स्कूलों में इतनी नहीं है, पर हम इसकी मजदूरी की वजह से ही मजबूर हैं बच्चे को इस स्थिति में पढ़ाई कराने के लिए। हमारा भी जी करता है हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, हमारे बच्चे बड़े बड़ी नौकरी लगें, बड़ी बड़ी उसमें पोस्टों पे जाएं, पर हम मजदूरी की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यार तो सरकार ने स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है? नहीं, महंगा नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई है। आपकी बात रहेगी, क्या कहना चाह रहे थे अभी? मैं ये कहना चाहता था कि भाई 11/3/2022 में हमारे 30 लोगों ने काम किया था सर मनरेगा स्कीम के तहत। आज तीसरे महीने में ये काम किया था, आज पूरे 7 महीने हो गए, उनके पैसे नहीं आए हैं। अगर हम उनकी आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर कहते हैं अगर आपने ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। और उनका एक ही हथियार है सर कि भी इन्होंने हमारी ड्यूटी में बाधा डाला है, बाधा डालने के चक्कर में वो हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। सर क्या हमारा हक मांगना भी गुनाह है? क्या हम अपना हक नहीं मांग सकते? अच्छा एक बात बताइए जी सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू है सर। जब पिछली बार वोट किसके लिए किया? पिछली बार बीजेपी को किया था सर। बीजेपी के लिए किया जी सर। तो बीजेपी तो आपके लिए काम करना चाहिए? वो नहीं करती है सर, वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है। ये बात आपको पहले नहीं पता था? नहीं सर, हमें तो ये लगा था कि भी अगर ये सरकार आई है, लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के इसको ये बनाया था भी सरकार अच्छे काम करेगी, जो वादे लेकर के आए है सरकार भी इसके लिए। संविधान के अनुसार आप किस कैटेगरी में आते हैं? एससी एसटी ओबीसी? एससी में आते हैं सर। जी सर। और एससी होकर आपने बीजेपी को वोट दिया? जी सर। बीजेपी आपकी सुन नहीं रही है, तो ये बात तो आपको पहले सोचना चाहिए था सर।
सोचना तो चाहिए था, लेकिन हमने ये सोचा था कि भी कांग्रेस क्या लगता है अब चुनाव होंगे तो, अगर चुनाव होंगे तो इसको अगला शब्द सिखा देंगे सर। ये जुंगलेबाजियों की सरकार है, ये गरीब मजदूरों की विरोधी सरकार है, और ये पूंजीपतियों के हक की सरकार है सर। हमारे हक की सरकार ये नहीं है। ठीक है, और भी हैं दादा, आपसे बात हो गई? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ब्रह्मपाल। आप इनके साथ आए? हाँ जी, हाँ जी, जिला कैथल। तो साथी आप देख सकते हो किस तरीके से मजदूर परेशान है, और यहाँ पर अपनी जो दिहाड़ी होती है नरेगा के तहत उसको मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए, क्योंकि जो काम कराया जाता है नरेगा से इन मजदूरों में, समय पर इनको उसका भुगतान नहीं किया जाता है। तो ये तो बात हो ही गई, इसके अलावा हमने और भी बात की, महंगाई पर भी बात की, और जो इन्होंने किस पार्टी को वोट दिए इस पर भी बात की। तो साथियों, और जो उज्ज्वला योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरा कैबिनेट बताता है कि महिलाओं के लिए सबसे सफल योजना है, उस पर भी बात की। तो आप किस प्रकार से चौंकाने वाली बात सामने आई कि पिछले एक साल से कोई सिलेंडर नहीं भराया है। तो आप देखते रहिए जनता आवाज, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।